हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल विडोसी गाइस। तो आज आप लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट थी कि जो है वो एक वेप लाया जाए, काफ़ी चीप वेप हो। मैं इसको बोलता हूँ नहायत ही चाइनीज़ वेप। तो ये है गाइस बोतल पानी की, क्योंकि मुझे प्यास लग रही है तो पानी जो है वो पीना चाहिए। आप लोग भी पिया करें पानी। अब इतना बड़ा तो वेप नहीं हो सकता, ना ही इतना बड़ा जो है वो टैंक हो सकता है। तो खैर ये तो सिर्फ पानी की बोतल थी। तो वेप जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है P8 ई सिगरेट। ये है जी नहायत ही चाइनीज़ वेप। यूजुअली मैं इस तरह के वेप्स की जो है रिकमेंडेशन भी नहीं देता और ना मैं इसको जो है वो रिव्यू करता हूँ। खैर आप लोगों की रिक्वेस्ट पे जो है मैं रिव्यू कर रहा हूँ। काफ़ी लोग हैं मेरे जो वेप नहीं खरीद सकते, उनका बजट नहीं होता वेप खरीदने का, तो उनके लिए ख़ास ये नहायत ही चाइनीज़ वेप जो है वो लेके आया हूँ मैं। खैर इसको अनबॉक्स करेंगे, चेक करेंगे किस तरह का इसका कोयला है, किस तरह का जो है वो इसका स्मोक है और क्या ऑप्शंस में हमें मिलती हैं। 100 वॉट पे चलता है ये। प्राइस मैं आपको बताता हूँ कि काफ़ी लोग होते हैं हर वीडियो देख के उसमें प्राइस का पूछते हैं, तो प्राइस मैं आपको अभी बता देता हूँ। इसकी प्राइस है 2300। कहीं वेबसाइट पे आपको 2500 का भी मिल जाएगा, कहीं वेबसाइट पे आपको 2300 का, 2400 का। तो ये इसकी प्राइस रेंज जो है वो 2200 से 2300 से लेके तो 2500, मतलब 2500 तक आपको आराम से मिल जाता है ये। तो खोलते हैं गाइस इसको और चेक करते हैं कि किस तरह का वेप है ये। जी तो ये है जी वेप, और इसको खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या जो है वो मैं मशगूल होता है। तो इस तरह का कुछ डब्बा आ जाता है आपके पास, अंदर आपको जो है वो एक मोड मिल जाता है। तो भाई निकालते हैं मोड को, तो ये गाइस मोड है। खैर इसको चेक करेंगे बाद में। उसके बाद आपको एक जो है वो इसका टैंक मिल जाता है जिसके अंदर पी फील्ड आपके पास जो है वो एक कोयल आ जाता है और आपके पास एक और एक्स्ट्रा कोयल जो है वो आ जाता है। साथ आपको एक चार्जिंग केबल मिल जाती है। खैर इसकी ज़रूरत नहीं है फिलहाल, हमें इसको साइड पे करते हैं और जो है वो अपना वेप चेक करते हैं। तो P8 नहायत ही चाइनीज़ वेप जो है इसमें आपको जो है वो ऊपर वोल्टेज दिख रहे हैं और आपको पता चला होगा कि 0.3 mAh का कोयल साथ 4.2 वोल्ट, और उसके बाद जो है बैटरी परसेंटेज आपके पास आ रही है। हालांकि इसके अंदर बैटरी ऐड नहीं होती, ये इन्होंने सिर्फ एक तस्वीर दी हुई है। जिन लोगों को LCD पसंद है वो लोग सिर्फ इस तस्वीर को देख के जो है खुश हो जाएं, बाकी तो इसके अंदर कुछ है नहीं मज़ीद। तो अगर हम इस साइड पे देखें मेन पे, तो हमारे पास एक पफ के लिए बटन आ जाता है। उसके बाद आपके पास ये प्लस और माइनस का बटन, जिससे आप नॉर्मली जो है वो अपने वोल्टेज जो है आगे पीछे करते हैं या उसको बढ़ाते हैं या कम करते हैं। उसके बाद नीचे आपको जो है एक पोर्ट मिल जाती है चार्जिंग। तो ये पुरानी पोर्ट है जो सिंपल एंड्रॉयड की पोर्ट आपको आती थी मोबाइल्स में, वो है टाइप सी नहीं है। और ऊपर जो है टैंक लगाने के लिए हमारे पास जगह आ जाती है। तो ये सिंपली सा एक जो है वो वेप है P8 नहायत ही चाइनीज़। अब टैंक देख लेते हैं हम इसका। तो कुछ इस तरह का आपको टैंक मिलता है, और इसमें आपको अगर मैं बताऊं कि आप इसको खोलेंगे ऐसे जूस डालने के लिए, तो आपने ऊपर से जो है इसको हल्का सा यूं घुमाना है तो ये ओपन हो जाएगा, और यहाँ से आपने जो है वो अपना फ्लेवर जो आपने ऐड करना है वो आप ऐड करेंगे। तो ये रबड़ इसकी निकाल लेते हैं क्योंकि हमने जो है वो कोयल चेंज करना है। और आपको ये भी बता दूं कि पूरे इंटरनेट पे जो है वो कोई भी ऐसी वीडियो नहीं है जो आपको बता सके थे इसका कोयल जो है वो कैसे चेंज होगा। तो कोयल इसका चेंज करते हैं, नया कोयल डालते हैं, उसके बाद फ्लेवर ऐड करके इसका स्मोक चेक करेंगे। तो कोयल आपने कैसे चेंज करना है, प्लास ले लें एक या कोई भी ऐसी चीज़ ले लें जिससे आप कोयल चेंज कर सकें, क्योंकि नॉर्मली इसका कोयल जो है वो नहीं चेंज कर सकते आप हाथ से। अब इसको आपने यहाँ से हाथ से घुमाना है, अब ना किसी के हाथ पड़ेंगे, अगर आप कोई छोटा हाथ भी है तो वो भी इसमें पड़ेगा नहीं क्योंकि काफ़ी जो है वो कसा हुआ है और आप इसको नहीं खोल सकते ऐसे। तो ये आपको लाजमी क्लास चाहिए। आप लोग कोई लोग मजाक समझ रहे होंगे, ये वाकई ओरिजिनली जो है ऐसे ही चेंज होगा। तो आपने करना क्या है, इस क्लास को थोड़ा सा पकड़ के आपने इस कोयल को पकड़ना है, और उसके बाद आपने सिंपली इसको थोड़ा सा घुमाना है, ठीक है। उसके बाद आपका ये जो कोयल है वो खुल जाएगा। तो इस तरह से आपका जो है ये कॉइल चेंज होता है। अभी भी जो है मेरे हाथ में नहीं आ रहा, खैर। और कुछ लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि यार कितने मैश का कॉइल है, तो ये भी इंफॉर्मेशन जो है इसके ऊपर नहीं दी होती है। तो ये कॉइल है इसका, देख रहे होंगे आप थोड़ा सा जो है वो काला हो गया है, काफ़ी काला हुआ है, ख़राब हुआ है, लेकिन जो मैश की इंफॉर्मेशन है वो आपको इसमें नहीं मिलती है। कहीं पे भी आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है मैश की, कि कितने मैश का जो है ये कोयल है। तो सिंपली आपने इसको ये इसी तरह तरीकेकार करके आपने इसको निकालना है बाहर। खैर कोयल हमारा बाहर आ गया, इसको करते हैं साइड पे। सिंपली आपने जो है वो कोयल पकड़ के इस तरह आपने ऐड करना है, ये वाली साइड जो है ये वाली कोयल की आपने इस तरह से ऐड करनी है इसके अंदर। इसको जो है वो सिंपली घुमा लेना है, तो घूम के जो है वो आपने कस लेना है इसको। अब कसेगा भी नहीं है आपसे, तो आपने क्या करना है कि वही सेम प्लास जो आपने पहले पकड़ा था खोलने के लिए, उससे आपने थोड़ा सा इसको घुमा के तो इसको कस लें, ठीक है।
ध्यान से कसें, ये ना हो कि आपका जो साइड वाला शीशा है या प्लास्टिक का जो भी इन्होंने वो टैंक दिया वो टूट ना जाए, तो थोड़ा सा कस लें इसको। कोई हमारा जो है वो अंदर कस गया, तो आप इसके अंदर फ्लेवर ऐड करेंगे। नॉर्मली जो है वो लोग फेक फ्लेवर ऐड करते हैं इसके अंदर मार्केट में, जो 900 के 800 के 1000 के आपको मिलते हैं। मैं फिलहाल ओरिजिनल फ्लेवर ऐड कर रहा हूँ, बियॉन्ड का मेलोनेट। आप अपनी मर्जी का कोई भी फ्लेवर्स में ऐड कर सकते हैं, तो फ्लेवर इसी तरीके से ऐड होता है, कोई भी और तरीका नहीं है कि हम इसको फ्लिप करें या कोई भी चीज़ करके इसको जिस तरह नॉर्मली वेप में होता है। तो अब क्या करेंगे इसके अंदर, सिंपली जो है ये आपके पास एक टैंक आ रहा है, इसको आपने ऊपर इस तरह से ड्रिप टिप कहते हैं इसको, ड्रिप टिप को आपने ऊपर इस तरह से लगा देना है और इसको ऐड कर देना है। अब ड्रिप टिप हमारी लग नहीं रही है, खैर इसको थोड़ा सा ऐड करके और इसके ऊपर ड्रिप टिप लगा देंगे। तो ये जी तरीका था हमारा फ्लेवर ऐड करने का इसके अंदर। अब थोड़ा सा इसको जो है वो साफ़ कर लेंगे, काफ़ी जो है वो फ्लेवर लग गया है ऊपर, थोड़ा सा इसको साफ़ कर लें और उसके बाद जो है आपको टैंक पे लगा के इसका तरीकेकार बताता हूँ कि किस तरह आप वोल्टेज सेट करेंगे। वो रखते हैं, लगाते हैं इसको अपने टैंक के ऊपर, टैंक के ऊपर रख के आपने जो है थोड़ा सा घुमाना है, तो ये लग जाए, लग रहा है, लग गया जी। तो ये हमने जो है इसको टैंक के ऊपर लगा के थोड़ा सा घुमा दिया, उतर गया और उसके बाद जो है हमारा ऊपर से ड्रिप टिप इसकी उतर गई है। खैर दोबारा से इसको लगाते हैं, करना आपने क्या है थोड़ा सा इसको जो है वो ड्रिप टिप को ऊपर रख के थोड़ा सा घुमाएंगे तो ये लग जाएगी। थोड़ा सा मुश्किल काम है क्योंकि इस तरह के वेव्स में जो है आपको इस तरह की चीज़ें मिलती हैं जिसमें आपको थोड़ा सा मुश्किल होती है। थोड़ा सा साफ कर लें इसको। अब करना क्या, आपने आपके पास ये ऊपर बटन आ रहा है, 5 times प्रेस करेंगे आप इसको तो ऑन हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 और 5 times प्रेस करेंगे दोबारा तो ये ऑफ हो जाएगा। खैर ये पहले से ऑन था, इसकी वजह से जो है वो हमारे पास ये लाइट ऑन हुई है। खैर दोबारा से इसको 5 times प्रेस करेंगे तो ये ऑन होगा, 1, 2, 3, 4, 5 तो ये ऑन हो गया, 40 volts पे चल रहा है इसको। मजीद अगर आपने वोल्टेज आगे पीछे करनी है तो यहाँ से आप सिंपल इसको 80 volts, 100 volts दोबारा इसको दबाएंगे तो ये 80 volts और 40 volts पे वापस चला जाएगा। तो ये कुछ बटन है नीचे दो, आगे पीछे कर सकते हैं आप इसको सिंपली। तो 40 volts पे इसको ट्राई करते हैं और स्मोक चेक करते हैं। अब पैसे दे के जो है ना वो अपने आप पे जुल्म करना है, मतलब नहीं, मतलब सीरियस बात है यार, मतलब पैसे दे के वो जुल्म करना है अपने आप पे, ना कोई ऊपर LCD और वो एक वो जो है वो इतना सा आपको जो है वो दे दिया गया ऊपर ना, मतलब वॉलपेपर लगा दिया गया है 100 volts, इस तरह लगे लोगों को ऐसे लगे कि ये जो LCD है। तो खैर कोई LCD नहीं है इसमें, इसमें एक सिर्फ आगे शीशा लगा हुआ है, वो शीशे के ऊपर जो है वो वोल्टेज और पीछे जो है एक लाइट लगा दी गई है। और नहायत ही चाइनीज वेव के अंदर आपको ये कोयल मिलता है जिसके ऊपर यही नहीं पता है कि वो कितने वोल्ट का है, क्या मैच है, क्या कुछ है, कुछ कोई सीन नहीं है, ठीक है। खैर ऊपर से ड्रिप टिप जो है आप पकड़ेंगे तो वो उतर जाएगी। मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि मैं किसी का मजाक उड़ाऊं या कोई देखे। अब मेरे पास मैं खुद इसको रिव्यू कर रहा हूँ, ठीक है, मैं रिव्यू कर रहा हूँ और वही चीजें मैं आपको बता रहा हूँ जो मुझे मिल रही है। तो ये कुछ चीज़ें जो है आपको इसमें मिलती हैं। अगर मजीद अपने आप से कोई लड़ाई करना चाह रहा है पैसे दे के तो वो ज़रूर करे, ठीक है, लेकिन अगेन मेरी रिकमेंडेशन नहीं है भाई इस वेब के साथ। थोड़े से पैसे इकट्ठे कर लिया करें, किसी ने वेब लेना है तो आप इस तरह करें कि कुछ देर वेट कर लें, कुछ मंथ जो है वो पैसे इकट्ठे कर लें, जमा कर लें, उसके बाद आप कोई चीज़ लें। तो नहायत ही चाइनीज वेप और नहायत ही चाइनीज फ्लेवर आपने नहीं लेना है, मेरी रिकमेंडेशन अगेन नहीं है। मुझे दे इजाजत गाइस, है आप कत्ल ही बनता ही इसका कत्ल है, या तो मैं इसका कत्ल कर दूंगा या जो है जो बंदा इसको खरीदेगा मैं तो गाइस मैं मजीद इसके बारे में कुछ नहीं जो है वो कहना चाह रहा, ना कोई कमेंट पास करना चाह रहा हूँ। खैर अब इसको 40 volts पे ट्राई करते हैं, उसके बाद 80 volts पे ट्राई करेंगे और देखते हैं कि ये थोड़ा सा और साफ कर लें इसको, क्योंकि जो है वो अभी भी फ्लेवर जो है उसका लीक कर रहा है। तो अब जिन लोगों ने इसके बावजूद लेना है वो उनकी मर्ज़ी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। सारा जो है टेबल भी ख़राब हो गया है फ्लेवर लीक होने की वजह से। खैर इसको ट्राई करते हैं 40 volts पे, इसको ट्राई करते हैं P8 नहायत ही चाइनीज़ वेप और लेट्स सी क्या स्मोक आता है। यह जी 40 volts पे इसको ऊपर से टिप पकड़ के जो है वो वेव करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर मैंने इसको वैसे वेव किया तो ये टिप उतर भी सकती है। तो इसको अब जो है वो 80 volts पे जल्दी से ट्राई कर लेते हैं और चेक करते हैं कि ये क्या स्मोक देता है 80 volts पे। स्मोक थिक नहीं है, हालांकि ओरिजिनल फ्लेवर ऐड किया, और आप सोच सकते हैं कि इसमें जो फेक फ्लेवर जब आप ऐड करेंगे तो वो क्या स्मोक देगा आपको। तो टेस्ट बिल्कुल आ रहा है, ये नहीं है कि टेस्ट नहीं आ रहा, क्योंकि ओरिजिनल फ्लेवर टेस्ट तो आपको आएगा,
स्मोक भी आई मीन ठीक है, अगर आपको पसंद है आप ले लें इसको, लेकिन मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दूंगा उसको। खैर 80 वोट पे हम लोगों को जो है दोबारा से एक स्मोक चेक कर लेते हैं। तो नहायत ही चाइनीज वेब का आपने स्मोक देखा 80 वोट पे। नॉर्मली ये स्मोक आपको जो है 30-35 वोट पे ओरिजिनल वेब के अंदर मिल जाता है। खैर इसको जो है वो 100 वोट पे जो है वो ट्राई करेंगे। अब 100 वोट पे ट्राई करते हैं इसका स्मोक। ठीक है 100 वोट पे आपको सेम वही स्मोक दे रहा है जो नॉर्मली आपको किसी भी अच्छे वेब पे 40 वोट पे स्मोक मिल जाता है। तो ये था गाइस हमारा P8 का नहायत ही चाइनीज वेब। जिन लोगों को पसंद है, जिन लोगों का बजट नहीं है, अगर वो मेरी वीडियो देखने के बाद फिर भी खरीदना चाह रहे हैं इस वेब को तो वो खरीद लें। मेरी रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है इस वेब की। तो ये थी P8 की गाइस वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि इसको खरीदना है या नहीं खरीदना है। मुझे दे गाइस इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।